दर्शकों, आज मुंबई क्राइम पेज न्यूज ने एक ऐसे समस्या को कवरेज के लिए जनता के बीच में आया हूं। मेरे सामने जो इंसान है उसका नाम मोहन है। ये अमन नगर के एक झोपड़पट्टी में रहता है। काफ़ी लोगों ने मुझे जब कहा कि एक बंदा है मोहन करके, जो इस समय उनको पैरलेस हो गया पूरे उनके बॉडी पर, और ये इसके हाथ को इसके पैर को पैरलेस मारकर आज 2011 को ये इसके लकवा इनके पूरे बॉडी को मार चुका था। इसके घर वाले ने 6 महीने के लिए इनका इलाज तो सरकारी हॉस्पिटल में किया, उसके बाद जब देखा कि इनके शरीर में कोई असर नहीं हो रहा है, इनका कोई उसमें विकास नहीं हो रहा है, तो उन्होंने इसी मोहन को आज से 2011 को संकट टेकड़ी के एक जगह है जहां एक मंदिर में इसको छोड़ दिया गया। जब हमारी मीडिया को ये पता चला कि 2011 से लेके आज तक मोहन को ना कोई उनके फैमिली वाले मिलते हैं, ना उनको उसकी कोई हालचाल पूछते हैं, और सबसे बड़ी बात जब हमारी मीडिया को पता चला कि उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है, एक इलाज की ज़रूरत है ताकि ये पैरलेस का जो बीमारी है उसको वो ठीक कर सके, लेकिन घर वाले बोलते हैं कि हम आपके साथ में नहीं आएंगे। मेरा कवरेज के पीछे जो मकसद है, मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक इंसान के साथ में इस तरह का घटना होती है तो क्या घर वाले उसके साथ में इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मोहन, ये बताइए आप, आपके साथ में क्या हुआ? 2011 से अभी तक मेरे को पैरलिस पा रहा था, तो अभी तक घर वालों ने कोई भी सहारा नहीं दिया है। 6 महीना दवाखाने में रखा सायर हॉस्पिटल में, फिर बाद में उसको उपचार नहीं हुआ, दो लोग मेरे को घर पे लाके छोड़ दिए, शंकर डिग्री में लाके 8 साल पहले रख दिया मेरे को। लेकिन आज तो लोगों ने ना पानी के लिए पूछा ना अनाज के लिए। क्या तुम्हें अभी तक तुम्हारे घर वाले जो है, तुम्हारी पत्नी है और कौन कौन है आपके घर पे? हाँ, लड़का है, 2 लड़का है। क्या उम्र है वो बच्चे की? एक का 19 है, एक का 20 साल है। और वो दोनों बच्चे और आपकी मिसेज ने आज तक आपको कभी खाने के लिए भी नहीं पूछते? नहीं, नहीं दिया। और आपके इलाज के बारे में वो क्या बोलते हैं? वो सुधारे बोलते हैं हमारे से कुछ होने वाला नहीं, आपको जो करना है करो, हमारे से कुछ होने वाला नहीं है। और आप कितने सालों से ऐसे ही रोड पे सोते हैं आप और खाते हैं लोग? हाँ, 8 साल हो गया समझो। और ये जो घर है यहाँ अमन नगर का, वो आपके नाम का है? जी हाँ, मेरे नाम के ऊपर है। और अभी आपका इलाज के लिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कोई आपको लेके नहीं जा रहा है? कोई लेके नहीं जा रहा है। आपकी वाइफ से आपने बात किया था? किया था। और आपके बच्चों से? बच्चों से बात किया। तो उन लोग वो क्या बोलते हैं आपको? वो डायरेक्ट बोलते हैं हमारे से होने वाला है जी। तो जनता, आपने देखा आज से 8 साल पहले यही मोहन ये एक परिवार का एक आधार स्तंभ था, लेकिन जैसे ही ऊपर वाले ने इसके साथ ये बीमारी यानी ये पैरलेस उसके बॉडी को मार दिया, तो घर वाले ने भी उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन हमारी मीडिया को जब ये बात पता चला कि इन्हें एक अच्छी दवाखाने की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो हमारी टीम उनको ये वादा करते हैं कि इनकी ट्रीटमेंट के लिए हम उन्हें पूरी मदद करेंगे, और साथ ही साथ ये मीडिया के माध्यम से और इनके इंटरव्यू के माध्यम से इनके घर वालों को भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरामैन के साथ वी आर चौहान, मुंबई क्राइम पेज।